हेलो फ्रेंड, सोनल बेकिंग कुक में आपका स्वागत है। आज मैंने ये पनीर लबाबदार बनाया है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। रेस्टोरेंट में आपने अक्सर खाया होगा, तो आज आप घर पर भी बनाकर खाइए। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही आसान तरीका है। जो भी आपके घर पे इंग्रेडिएंट्स होते हैं उससे ही बनता है, और आप इसको बनाकर खाएंगे पूड़ी के साथ, पराठे के साथ, लच्छा पराठा हो गया, नान हो गया, जो भी रोटी है उसके साथ खाइए, बहुत ही मज़ा आता है खाने में। तो चलिए झटपट से मैं आपको बताती हूँ कि बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर लबाबदार आपको कैसे बनाना है। आज हम पनीर लबाबदार बनाने जा रहे हैं, उसके लिए ये देखिए मैंने सभी इंग्रेडिएंट निकाल लिया है। यहाँ पर मैंने मगज बीज, काजू, अदरक लहसुन, टमाटर, प्याज, पनीर और यहाँ कसूरी मेथी, कुछ गरम मसाले और खोआ, हरा धनिया, और इसमें हम एक चीज़ और डालने वाले हैं जो कि है मलाई। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है पनीर लबाबदार में। और हम कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ करेंगे, कुछ और मसाले यूज़ करेंगे। तो चलिए झटपट मैं बताती हूँ कि इसे बनाना कैसे है। यहाँ मैंने पेन चढ़ा लिया है और गैस को ऑन कर लिया है। अब हम इसमें सबसे पहले डालेंगे ऑयल। हमें इसमें 2 चम्मच ऑयल डालना है। इसे हम गरम करेंगे। तेल गरम हो गया है। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा। 1 चम्मच जीरा डाला, उसके बाद इसमें जाएगा 3, ये इलायची, हरी इलायची है। 3 से 4 इसमें हम डालेंगे लौंग, ये लौंग। फिर इसमें डालेंगे हम थोड़े से 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के। 5 से 6 दाना काली मिर्च। इसे हमें हल्का सा भूनना है। फिर हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा प्याज, इसे हमने मोटा कट किया है, बारीक कट नहीं किया है। देखिए प्याज हल्की ब्राउन होने लग गई है। अब हम इसमें डालेंगे 1 लहसुन है पूरा, जो बड़ा सा आता है वो, और इसमें 1 कली अदरक है, उसको मैंने यहाँ पर किस लिया है। बस इसको भी डाल के हमें इसको भूनना है। मसालों को के साथ भून लेने से जो उसका स्वाद होता है वो अच्छा आता है, बिल्कुल कच्चापन नहीं रहता है, इसलिए हमें सभी को अच्छे से भून लेना है। ये देखिए ये भी भून गया है। अच्छा फ्रेंड्स, जो लोग प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं वो इसमें स्किप कर सकते हैं, मतलब उसको अलग कर सकते हैं, नहीं डालें। परंतु यदि उसको ग्रेवी में बढ़ाना है तो आप 1 टमाटर बढ़ा दीजिए उसमें, और थोड़ा सा जो काजू होता है और मगज बीज होता है उसकी क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो बढ़ाना ही पड़ेगा, तभी जो ग्रेवी होगी वो अच्छी बनेगी। ये देखिए अभी ये प्याज फ्राई हो गया है। इसमें हम डाल रहे हैं 2 बड़े टमाटर। देखिए अभी मैं इसमें 2 डाल रही हूँ, यदि आप प्याज स्किप करते हैं तो आप 3 बड़े टमाटर डालिए। हमें इसे अच्छे से सौते कर लेना है ताकि जो टमाटर है और ये जो मसाले वो सॉफ्ट हो जाए। अब इसमें जाएगा ये काजू, लगभग 30 ग्राम काजू, थोड़े से मगज बीज, 2 बड़े चम्मच मगज बीज है। इन्हें अच्छे से सौते करना है पहले। हम पनीर लबाबदार बना रहे हैं तो जो पनीर लबाबदार होता है उसकी ग्रेवी जैसे पिंक कलर की होती है अच्छी सी, तो ये जो हम काजू मगज बीज वगैरह डाल रहे हैं ना, इसी से जो ग्रेवी होती है बहुत ही अच्छी पिंक कलर की आती है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगती है। और यही जो मसाला आप देख रहे हैं इसी से ग्रेवी तैयार होगी। अब इसमें जाएगा 1/4 कप पानी, ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ 1/4 हमें डालना है, और हमें इसे पकाना है ताकि ये जो मसाले हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। इसे हम ढक देंगे 5 मिनट के लिए। हम देखेंगे हमारा मसाला, ये देखिए कितना बढ़िया अच्छा पक चुका है और ये भुन भी गया है। बस अब हम फ्लेम को कर देंगे बंद और इसे थोड़ा सा ठंडा करके फिर हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे, मतलब इसको हम मिक्सी में पीस लेंगे। ग्रेवी तो बन गई, हमने मसाला पीस लिया है। अब पनीर लबाबदार की अच्छी सी ग्रेवी, मतलब अब हम सब्जी बनाने जा रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर पैन चढ़ा लिया है। अब इसमें जाएगा 1 चम्मच घी। आप इसमें बटर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये घर का बना घी है
और मैं घी का यूज़ करती हूँ, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। इसे थोड़ा सा हम मेल्ट करेंगे। घी गरम हो गया है, इसमें जाएगा 2 तेज़पत्ता। तेज़पत्ता डालने के बाद हमें इसमें डालना है 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। मिर्ची आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपको जितना तीखा पसंद हो। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा कसूरी मेथी, या हमने 2 बड़े चम्मच कसूरी मेथी लिया है, उसको हल्का सा इस तरह से क्रम्बल करके डालिए। ये हो गया, बस इसको हल्का सा ही हमें इसमें सौते करना है। अब हमने जो ग्रेवी तैयार की थी वो ग्रेवी हम इसमें डाल देंगे। अब इसमें जिस जार में हमने मसाला पीसा था थोड़ा सा पानी डाल के उसमें से भी हम निकाल लेंगे, और अब हम इस ग्रेवी को अच्छे से भुनेंगे। हमें इसी तरह से मसालों को अच्छे से भून लेना है। ये ग्रेवी अच्छी सी पकती है तभी जो टेस्ट होता है सब्जी का वो बहुत ही बढ़िया आता है। फ्रेंड्स, आपने अक्सर रेस्टोरेंट में खाया होगा पनीर लबाबदार, तो आज हम घर पे ही बना रहे हैं। रेस्टोरेंट में खाइए, घर पे आकर बनाइए, तो कैसा घर का टेस्ट तो थोड़ा सा डिफरेंट होता ही है और अच्छा होता है घर पे बनाई हुई कोई चीज़। तो इसे हम अच्छे से भून लेंगे। यह मसाला अच्छे से भून चुका है, ये देखिए अभी ये तेल छोड़ने लग गया है। इसी तरह से मसाला अच्छे से भून जाना चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, इसे मिक्स कर लेना है। इसके बाद अब हमें डालना है इसमें मलाई। यहाँ पर हमने ये मलाई लिया है, लगभग 1/4 कप मलाई है, ये हम पूरा इसमें डाल देंगे। इसे हमें अच्छी तरह से पूरा मिक्स कर लेना है। फ्लेम को आप कम ज़्यादा करते रहिए। ये हो गया, अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा, ये देखिए कि लगभग 1 बड़ा चम्मच हम इसमें डाल रहे हैं मावा। ये घर का मावा है, यदि आपके पास मावा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें 1 चम्मच चीनी भी डाल सकते हैं। इससे क्या होता है, जो पनीर लबाबदार की ग्रेवी होती है उसका टेस्ट खट्टा मीठा सा होता है, तो मीठे के लिए मैंने यहाँ पर मावा डाला है, और खट्टे के लिए तो टमाटर हमने इसमें डाला ही है, तो आप मावा की जगह चीनी भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए ग्रेवी एकदम परफेक्ट हो गई है। अब इसमें हम डालेंगे पनीर। ये पनीर को हमने बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है, इसे बस हमें थोड़ा सा मिक्स करना है, और अब इसमें हमें डालना है थोड़ा सा पानी। अब हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे। पानी थोड़ा करके डालिए, पहले हम इसे मिक्स कर लेते हैं। आपको इसकी थिकनेस जितनी रखनी है, इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए, आपको ज़्यादा गाढ़ा ग्रेवी रखना है या पतला करना है। वैसे जो पनीरदार पनीर जो होती है लबाबदार, वो ज़्यादा पतली नहीं होती है, इसे लटपटी सी अच्छी सी होती है। ये इसमें पूरा पानी हम डाल देंगे, ये 1 कप पानी पूरा हमने इसमें डाल दिया है। अब हम इसे ढक देंगे और 5 मिनट तक के लिए पकने देंगे। हमारी सब्जी तैयार हो गई है, ये देखिए इसमें कलर ऑरेंज पिंक कलर आ गया है। बिल्कुल ऐसी ही ग्रेवी तैयार होती है पनीर लबाबदार की। वाव, बहुत ही बढ़िया आया है, एकदम बराबर हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसमें ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, बस, और गैस को कर देंगे हम बंद। अब हमारा पनीर लबाबदार सर्व के लिए तैयार है। इसे हम बाउल में निकाल लेंगे। पनीर लबाबदार बनकर रेडी हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा ये क्रीम ऊपर से इस तरह से डाल देंगे,
आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन पनीर लबाबदार में ऊपर से क्रीम डालते हैं तो टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो फ्रेंड्स आप इसे ज़रूर बनाइए, ट्राई करिए, जैसे जैसे मैंने रेसिपी बताया बिल्कुल वैसे फॉलो करिए, आपकी जो पनीर लबाबदार है बहुत ही बढ़िया टेस्टी बनकर तैयार होगी। चलिए यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर सकते हैं आप, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड, और चैनल को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक ज़रूर करें। सोनल की